हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टर्मोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुकुरबिटेशियस क्रॉप के इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। कुकुरबिटेशियस क्रॉप दैट मीन्स पम्पकिन, कुकुम्बर, बॉटल गॉर्ड, स्नेक गॉर्ड, एस गॉर्ड एट्सेट्रा। गाइस, ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ में इनमें प्रोटीन, विटामिन्स की बहुत ही भरपूर मात्रा पाई जाती है। गाइस, कुकुरबिटेशियस क्रॉप बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट से अफेक्टेड होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट इनको नुकसान पहुंचाते हैं। कुकुरबिटेशियस क्रॉप के जो मेजर पेस्ट हैं वो हैं रेड पम्पकिन बीटल, स्टिंग बग, फ्रूट फ्लाई और स्पॉटेड बीटल। आप इनके डायग्राम देख सकते हैं। रेड पम्पकिन बीटल जो रेडिश कलर का होता है, कुकुरबिट स्टिंग बग ये ग्रीन या फिर ब्राउन कलर के हो सकते हैं। स्पॉटेड बीटल ऑर्डर कोलियोप्टेरा के मेंबर होते हैं। बहुत ही छोटे स्मॉल साइज्ड बीटल होते हैं। और कुकुरबिट फ्रूट फ्लाई ये पॉलीफेगस पेस्ट है जो हर प्रकार के जो फ्रूट होते हैं जिनमें एरोमा होती है उनको अटैक कर सकते हैं। कुछ माइनर पेस्ट भी होते हैं जस्ट लाइक कट वॉर्म, फ्ली बीटल, एफिड्स, स्टेम बोरिंग बीटल, वाइट फ्लाई, ब्लिस्टर बीटल। ये सब जो इंसेक्ट्स हैं ये इनके माइनर पेस्ट हैं। ये जो स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं ये एक पीच पोटैटो एफिड का है, माइजस पर्सिकी, जो कि पॉलीफेगस पेस्ट है और कुकुरबिटेशियस क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। सोयाबीन हैरी कैटरपिलर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो कि कुकुरबिटेशियस क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं रेड पम्पकिन बीटल की। रेड पम्पकिन बीटल ऑर्डर कोलियोप्टेरा फैमिली क्राइसोमेलिडी के मेंबर होते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं स्मॉल साइज बीटल होते हैं जो कि ओलिगोफेगस नेचर के होते हैं। ये स्पेसिफिक कुकुरबिटेशियस क्रॉप के ही पेस्ट होते हैं। रेड पम्पकिन बीटल इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथर्न यूरोप एंड अफ्रीका। इंडिया के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया, साउथर्न यूरोप और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके ग्रब और एडल्ट दोनों ही क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। द ग्रब लीड अ सबटेरेनियन अंडरग्राउंड लाइफ एंड फुल ग्रोन ग्रब मेजर अबाउट 12 mm इन लेंथ एंड 3.5 mm अक्रॉस द मीजोथोरिक्स। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका ग्रब सॉइल के अंदर होता है जो कि कुकुरबिटेशियस क्रॉप के या अदर क्रॉप के रूट को नुकसान पहुंचाते हैं। एडल्ट होने के बाद ये फ्लावर को और लीफ को नुकसान पहुंचाते हैं। द क्रीमी वाइट विथ अ स्लाइटली डार्कर ओव्यूल सील्ड एट द बैक। द बीटल्स फीड ऑन एबव द ग्राउंड प्लांट पार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया इनके जो ग्रब होते हैं रूट पे फीड करते हैं और जो एडल्ट होते हैं वो एबव द ग्राउंड प्लांट पार्ट्स पे फीड करते हैं जस्ट लाइक लीफ या फ्लावर्स एट्सेट्रा। द डोर्सल बॉडी सरफेस इज ब्रिलियंट ऑरेंज रेड एंड वेंट्रल सरफेस इज ब्लैक, बींग क्लॉथ इन शॉर्ट वाइट हेयर। इनकी जो बॉडी होती है ये पूरी तरह से ब्लैक कलर की होती है। इनका जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो रेड कलर की जो इलाइट्रा होती है, रेड कलर की इलाइट्रा उससे ढके हुए होते हैं, जबकि निचली सतह पूरी की पूरी ब्लैक कलर की होती है जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ढके हुए होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है ये लगभग 60 से 85 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट होते हैं एडल्ट फीमेल ये जमीन में सॉयल में अंडे देती है और अंडों का हैचिंग लगभग 6 से 15 दिन में हो जाता है। न्यूली हैच्ड का जो ग्रब होते हैं लार्वी वो सॉयल सरफेस के नीचे रूट पे फीड करते हैं और सॉयल सरफेस के नीचे कुछ स्टेम जो ढके हुए होते हैं मिट्टी से उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं।
दे आर फुल ग्रोन इन 13 to 25 days, ये 13 से 25 दिन में जो ग्रब होते हैं वो फुली डेवलप हो जाते हैं और अर्दिन प्यूपा बनाते हैं, सॉयल के अंदर ही प्यूपेट हो जाते हैं। इनका जो अर्दिन प्यूपा होता है ये काफ़ी थिक वॉल्ड होता है और काफ़ी मजबूत होता है। ये लगभग जमीन में सॉयल सरफेस से 20 से 25 सेंटीमीटर नीचे प्यूपेशन में जाते हैं, प्यूपा बनाते हैं। प्यूपल स्टेज इज़ अबाउट 7 to 17 days, इनका जो प्यूपल स्टेज 7 से 17 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से जो इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल है लगभग 60 से 85 दिन में, 60 to 85 days में कंप्लीट हो जाते हैं। इनका जो एक साल में इनका लाइफ साइकिल लगभग 5 बार कंप्लीट होता है, दैट मीन्स एक साल में इनका लगभग 5 जनरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। द लाइफ साइकिल इज़ कंप्लीटेड इन 26 to 37 days एंड द पेस्ट ब्रीड्स 5 टाइम फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। ये जो है फेवरेबल कंडीशन होने पे इनका जो लाइफ साइकिल है वो 37 दिन में, लगभग 40 दिन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये पूरे साल में लगभग 5 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं। एक फीमेल अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 300 तक अंडे दे सकती है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये कुकरबिटेशियस क्रॉप के बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होते हैं जो कि लार्वल स्टेज में प्लांट्स के रूट्स या अंडरग्राउंड स्टेम को डैमेज करते हैं और एडल्ट स्टेज में वेजिटेटिव पार्ट्स को डैमेज करते हैं। द ग्रब डैमेज द प्लांट्स बाय बोरिंग इनटू द रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम एंड सम टाइम इनटू द फ्रूट्स टचिंग द सॉयल। कभी कभी जो फ्रूट जमीन पे लगे हुए होते हैं ग्रब उनको भी छेद करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। द बीटल्स इंजोर द कोटिलीडन्स फ्लावर्स एंड फोलियज बाय बाइटिंग होल्स इन टू देम। जो बीटल्स होते हैं एडल्ट होते हैं वो फोलियज पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खा के उन्हें छेद करके या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। द अर्ली सोन कुकरबिट्स आर टू सीवियरली डैमेज। अब बात करते हैं इनके मैनेजमेंट की। इन्फेस्टेड फील्ड्स प्लो डीप टू किल द ग्रब इन द सॉयल। इन्फेस्टेड फील्ड को हमें डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए ताकि जो ग्रब सॉयल के अंदर हों वो बाहर आ जाएं और उनको प्रीडेटर्स एक्सपोज, बाहर ओपन में एक्सपोज होने से प्रीडेटर्स या फिर सनलाइट से नष्ट हो सकें। दूसरा है फ्लडिंग, क्योंकि ग्रब और प्यूपा दोनों ही सॉयल के अंदर होते हैं, फ्लडिंग करने से, फ्लडिंग एरिगेशन करने से, सेपोकेशन से ये मर सकते हैं। सो द क्रॉप इन नवंबर टू अवॉइड डैमेज बाय दिस पेस्ट। क्योंकि अर्ली सोइंग जो वेराइटीज़ होते हैं अर्ली सोइंग करने से ये इंसेक्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, इसलिए हमें लेट सोइंग करना चाहिए। लेट सोइंग से हम इस इंसेक्ट से बच सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है जस्ट लाइक कार्बोफ्यूरान, कार्बोफ्यूरान से हम सॉयल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अप्लाई 7 kg ऑफ कार्बोफ्यूरान 3 g पर हेक्टेयर 3.5 सेंटीमीटर डीप इन द सॉयल नियर द बेस ऑफ द प्लांट जस्ट आफ्टर जर्मिनेशन। हमको 3 से 4 सेंटीमीटर गहरे प्लांट के जर्मिनेशन के जस्ट बाद में उसके आसपास में हमें डालना चाहिए, या फिर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं कार्बोरिल 50 WP का। कार्बोरिल 50 WP का हम 375 ग्राम कार्बोरिल का हम 250 लीटर में घोल बना के पर हेक्टेयर की दर से इनका स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज कुकरबिट्स स्टिंग बग। कुकरबिट्स स्टिंग बग ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली पैंटेटोमीडी के मेंबर होते हैं। ये स्टिंग बग जो होते हैं वो रेड, ग्रीन या ब्राउन कलर के हो सकते हैं। इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है एग, निम्फ और एडल्ट। इनके जो निम्फ और एडल्ट दोनों ही प्लांट्स के टेंडर पार्ट से सेल सेप को शक करके नुकसान पहुंचाते हैं। एडल्ट आर विंग्ड एंड ग्रेस ब्राउन।
द एज ऑफ द एब्डोमेन एंड अंडर साइड्स ऑफ द इंसेक्ट हैव ऑरेंज टू ऑरेंज ब्राउन स्ट्राइप्स। इनमें ऑरेंज टू ऑरेंज ब्राउन स्ट्राइप्स पाए जाते हैं। फीडिंग बाय पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स ऑकर्स प्राइमरली ऑन द प्लांट फॉलेज एंड टेंडर स्टेम। प्लांट के फॉलेज और टेंडर स्टेम, जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स के टेंडर पार्ट से ये इंसेक्ट्स सेल सैप को शक करके नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो बग्स होते हैं स्टिंग बग्स, ये पॉलीफेगस होते हैं जो हर प्रकार के वेजिटेशन को नष्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार के वेजिटेशन पे अटैक कर सकते हैं। सम टाइम कुकरबिट्स स्टिंग बग्स में ऑल्सो डैमेज ऑन फ्रूट्स। ये इमेच्योर फ्रूट्स पे भी अटैक कर सकते हैं। द एसोसिएटेड डैमेज सिम्टम्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट ब्लैक और ड्राई आउट। देन लाइफ साइकिल ऑफ स्टिंग बग। कुकरबिट्स स्टिंग बग एग्स आर 1 बाय 16 इंच लॉन्ग। 1 बाय 16 इंच लॉन्ग इनका जो एग होता है वो उसका साइज होता है, जो कि क्लस्टर्स में 15 से 40 के क्लस्टर में एडल्ट फीमेल जो है 15 से 40 के क्लस्टर में अंडे देती है। एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 200 से 400 तक अंडे दे सकती है। एग्स आर ब्राउन टू ब्रिक रेड इन कलर एंड हैच इन 1 टू 2 डेज। ये लगभग 2 दिन में इनके अंडों का हैचिंग हो जाता है। द कलर ऑफ निम्फ रेंज फ्रॉम मोल्टेड वाइट टू ग्रीनिश ग्रे विच हैव ब्लैक लेग्स। लेटर ऑन दे टर्न डार्क ब्राउन एंड रिसेम्बल विथ एडल्ट। ये एडल्ट होने पे डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और निम्फ हैव पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ विंग्स वेयर द एडल्ट हैव फुल ग्रोन विंग्स। द निम्फ बिकम एडल्ट इन 4 वीक। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 4 से 5 सप्ताह में कंप्लीट हो जाता है। गाइस, इनके मैनेजमेंट के लिए, चूंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं क्लस्टर्स में अंडे देते हैं, हम एक क्लस्टर्स को मैनुअली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको भी मैनुअली हम कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फील्ड सैनिटेशन रखना चाहिए, क्लीन कल्टिवेशन हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पॉलीफेगस होते हैं जो अदर वेजिटेशन पे भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए अल्टरनेट होस्ट वीड्स को हमें नष्ट कर देना चाहिए। ओवर विंटर साइट्स फील्ड सैनिटेशन रिमूवल ऑफ वीड्स होस्ट एंड अदर ओवर विंटर साइट्स ऑफ बग्स। पैरासिटॉइड्स लाइक टैकनिट फ्लाई, हाइमेनोप्टेरॉइड वेस्प या अदर जो पैरासिटॉइड्स हैं, जो कि एग पैरासिटॉइड्स या एडल्ट पैरासिटॉइड्स हैं, उनको हम मास रिलीज कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स भी हैं जस्ट लाइक डाइमेथॉएट, जो कि रोगर के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं 30 EC। हम इनको 1 ml पर लीटर की दर से घोल बना के इसका हम डायरेक्ट फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंसेक्ट इज रेड सॉरी नेक्स्ट इंसेक्ट इज पम्पकिन फ्रूट फ्लाई बैक्टोसीरा करक्यूबिटी। बैक्टोसीरा करक्यूबिटी ये ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली टैप्रिटिडी के मेंबर होते हैं। ये कुकरबिटेशियस क्रॉप के बहुत ही मेजर इंसेक्ट होते हैं, जो कि हर प्रकार के कुकरबिटेशियस क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। करेला, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, स्नेक गॉर्ड, हर एक क्रॉप को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके परिपक्व मैच्योरिटी स्टेज में ये उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ओनली द मेगट कॉज डैमेज बाय फीडिंग ऑन नियर राइप फ्रूट्स रिडलिंग पियर्सिंग देम द पॉलिटिंग द पल्प। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके लार्वे ही नुकसान पहुंचाते हैं, चूंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने ओविपोस्टर की सहायता से फ्रूट्स के अंदर अपने अंडे छोड़ते हैं क्लस्टर में, और वो जो अंडे होते हैं हैचिंग के पश्चात में न्यूली हैच्ड लार्वे फ्रूट पल्प को खाना स्टार्ट करते हैं, जिनके वजह से जो फ्रूट पल्प होता है पूरी तरह से सड़ जाता है। द मैगट्स आर लेगलेस एंड अपीयर
एज हेडलेस डर्टी वाइट रिगलिंग क्रिएचर्स थिकर एट वन एंड एंड टैपरिंग टू अ पॉइंट एट द अदर. द फुल ग्रोन मैगट इज अबाउट 9 to 10 mm लॉन्ग एंड 2 mm ब्रॉड इन द मिडिल. द एडल्ट फ्लाइज आर रेडिश ब्राउन विथ लेमन येलो मार्किंग ऑन द थॉरेक्स एंड हैव फ्यूस्कस एरिया ऑन द आउटर मार्जिन ऑफ देयर विंग्स. ये जो इंसेक्ट होते हैं इनकी इनका जो शरीर होता है ये इनमें रेडिश ब्राउन कलर के मार्किंग्स होते हैं. इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 50 से 70 दिन में कंप्लीट हो जाता है. फेवरेबल कंडीशन होने पे इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत ही शॉर्ट होता है जो कि लगभग 20 से 50 दिन में कंप्लीट हो सकता है. ये जो इंसेक्ट होते हैं पूरे साल भर बने रहते हैं. जो जब कभी भी कुकरबिटेशियस कोई भी कुकरबिटेशियस क्रॉप में फ्रूटिंग होती है ये उनमें अटैक कर जाते हैं. एडल्ट फ्लाइज एमर्ज फ्रॉम प्यूपा इन द मॉर्निंग आवर्स एंड मेट एट डस्क. इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द एग्स टू मैच्योर इन साइड द बॉडी ऑफ फीमेल विच स्टार्ट लेइंग देम विद इन 14 days. ड्यूरिंग विंटर द प्री ओविपोजिशन पीरियड इज प्रोलोंग्ड. ये जो इंसेक्ट होते हैं विंटर के समय में इनका जो प्री ओविपोजिशन पीरियड होता है ये ज़्यादा अधिक समय का होता है. दे ओविपोजिट इन कंपेरेटिवली सॉफ्ट फ्रूट अवॉइडिंग दोज विथ हार्ड रेंड. चूँकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अपने ओविपोजिटर की सहायता से फ्रूट के अंदर अंडे देते हैं तो इसीलिए ये अंडे देने के लिए सॉफ्ट फ्रूट का जो कोमल फल होते हैं पके हुए फल होते हैं उनका चयन करते हैं. द सेलेक्शन ऑफ अ सुटेबल साइज एंड द एक्चुअल लेइंग ऑफ एग्स टेक्स अबाउट 6 to 8 minutes. अ कैविटी इज मेड बाय शार्प ओविपोजिटर एंड अबाउट अ डजन वाइट सिलिंड्रिकल एग्स आर लेड मोस्टली इन द इवनिंग आवर्स. आफ्टर लेइंग द एग्स द फीमेल रिलीजेस अ गमी सिक्रेशन विच सीमेंट द टिश्यू सराउंडिंग द पंक्चर एंड मार्क्स द एंट्रेंस वाटर प्रूफ. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अपने ओविपोजिटर की सहायता से फ्रूट के अंदर अंडे देते हैं उसके पश्चात उसको गमी मटेरियल से ढक देते हैं ताकि वो जो छेद है वो बाहर से दिखाई ना दे और पूर्ण रूप से वाटर प्रूफ हो. एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में लगभग 60 से 100 तक अंडे दे सकती है जिनका जीवन काल लगभग 20 से 50 दिन का होता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टोसीरा कुकरबिटा. ये मेल एंड फीमेल ऑफ दिस फ्रूट फ्लाई. इनका जो एग है ये लगभग 1 से 9 दिन में हैच हो जाते हैं और जो मैगट होते हैं वो फ्रूट को बोर करके पल्प को खाना स्टार्ट करते हैं. इनके द्वारा अटैक किए गए फ्रूट में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है क्योंकि ये फ्रूट को छेद करते हैं ओविपोजिशन पंक्चर्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से ओपन में एक्सपोज हो जाते हैं जिससे कि फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आसानी से हो सके. द लार्वा आर फुल ग्रोन इन 3 days during summer and 3 weeks during winter. जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनका जो लाइफ साइकिल है विंटर में काफ़ी लंबी होती है और समर में शॉर्ट हो जाती है. इनका जो लार्वल पीरियड है समर के सीजन में 3 दिन का होता है जबकि विंटर सीजन में लगभग 20 से 25 दिन का होता है. द मैच्योर लार्वा कम्स आउट ऑफ द रोटन फ्रूट एंड मूव अवे इन जंप ऑफ 12 to 20 centimeters. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं फ्रूट के अंदर ही फ्रूट के अंदर पूरी तरह से डेवलप होने के बाद में जब फ्रूट सड़ जाता है और
लार्वे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब ये फ्रूट से बाहर निकल जाते हैं और ये अर्धन प्यूपा बनाते हैं। दिस आर मेड पॉसिबल बाय फोल्डिंग। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें लेग नहीं होता, ये एपोडस होते हैं, इसीलिए ये जंप करते हैं। ये 20 से 12 से 20 सेंटीमीटर तक जंप कर सकते हैं। ये जंप करने के लिए अपने आप को फोल्ड करते हैं दोनों एंड से और फोल्ड करके अनफोल्ड करते हैं, जिसके वजह से ये जंप हो पाते हैं। आफ्टर रीचिंग अ सुटेबल प्लेस दे बरी देमसेल्फ अबाउट 5 mm डीप इन द सॉयल। ये सॉयल के अंदर घुस जाते हैं सुटेबल प्लेस पे और वहीं अर्धन प्यूपा बनाते हैं। इनका जो प्यूपल स्टेज होता है लगभग 6 से 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इनमें 1 साल में कई जनरेशन तक कंप्लीट हो सकते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका इनके जो लार्वी होते हैं ये फ्रूट पल्प को खा के डिस्ट्रॉय करते हैं और इनके द्वारा छोड़े गए एक्सक्रीटा के वजह से जो पूरा का पूरा फ्रूट है वो पॉल्यूट हो जाता है, सड़ जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी फ्रूट जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। गैस इनके मैनेजमेंट के लिए जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं उन्हें हमें फील्ड से निकाल के फेंक देना चाहिए, पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। चूँकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं अर्धन प्यूपा बनाते हैं इसीलिए डीप प्लोइंग करके हमको फ्लडिंग एरिगेशन करना चाहिए। हम मैलाथियन 50 EC का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं या मैलाथियन 5% डस्ट का डस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ प्रोटीन बैट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ फूड ल्यूर्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1 kg पम्पकिन पल्प एंड 100 ग्राम्स जेगरी एंड 10 ml मैलाथियन। हम इसको एक साथ मिक्स करके फील्ड में रख सकते हैं ताकि इनको अट्रैक्ट करके मारा जा सके। फ्रूट फ्लाई के लिए हम फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।